तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्या सेफ स्कोर है आपका DU, BHU या AU में पार्टिसिपेट करने के लिए, उनकी काउंसलिंग में कौन से कोर्सेज के लिए, कॉमर्स कोर्सेज के लिए। तो जी हाँ, अगर आप भी टारगेट कॉमर्स कोर्सेज को कर रहे हैं और इन यूनिवर्सिटी में जाने की सोच रहे हैं और घबरा रहे हैं कि क्या आंसर के बाद, मतलब रिजल्ट के बाद मेरा ये स्कोर है, क्या वो सेफ है या नहीं है, हम यहाँ पूरा डिस्कस करने वाले। देखो यार, इस वीडियो में मैं बता दूं कि हम तीन ही कॉलेज को या यूनिवर्सिटी को फोकस कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा और भी आपके पास ऑप्शंस हैं 40 के करीब, है ना, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के, जिनको भी आप फोकस कर सकते हैं। और जो सेफ स्कोर मैं बता रहा हूँ उससे कम स्कोर में भी आप उन पर्टिकुलर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं रिस्पेक्टिव आपके कॉमर्स कोर्सेज के लिए, यानी हम बीकॉम की जनरली बात कर रहे हैं। तो बेझिझक हो जाइए, ठीक है, क्या है, क्या स्कोर है, क्या रहने वाला है, सारी चीज़ें, किस किस की बात करेंगे हम। एक तो DU की बात कर लेंगे भैया, है ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, AU की, है ना, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। क्या है ये, क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चे कोर्स ये सब टारगेट भी बच्चे इन्हीं को कर रहे हैं, इसीलिए हम इनको रिस्पेक्ट में लेके चल रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शन है, 40 के अराउंड और ऑप्शन है सेंट्रल यूनिवर्सिटी के, उनको टारगेट आप कर सकते हो इन स्कोर्स के आसपास भी, ठीक है, थोड़ा बहुत कम भी चलेगा। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर बता दूँ कि यहाँ जो हम बात करने वाले हैं कट ऑफ्स की या सेफ स्कोर की, वो रिस्पेक्ट टू किसके, जनरल कैटेगरी के, है ना, जनरल कैटेगरी। तो अगर आप मान लीजिए EWS या OBC कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, तो इनका जो स्कोर हम बता रहे हैं उससे 5 से 10 नंबर कम भी आपका स्कोर चलेगा अगर इन कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं। मान लीजिए SC ST से बिलोंग कर रहे हैं, तो आप 20 से 30 नंबर का डिफरेंस जो है मान के चल सकते हैं अगर इस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। हम किसके रिस्पेक्ट में, हम यहाँ इस रिस्पेक्ट में बात करने वाले हैं, कोई दिक्कत, बढ़िया। तो दोस्तों में शेयर कर दो, उनको पता चल जाए सारी चीज़ें, और आखिर तक आपको भी देखना है, वीडियो लाइक करना नहीं भूलना है और चैनल भी सब्सक्राइब करना है, ताकि सारी जानकारी सारे अपडेट्स आपको यही मिलते रहें इसी चैनल पर सबसे पहले। तो चलो भैया चालू कर लेते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। कॉमर्स के लिए हम बात जो बेसिकली कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं, बीकॉम की बात कर रहे हैं। यहाँ पर बीकॉम ऑनर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में होता है एक कोर्स, और बीकॉम प्लेन भी होता है, ठीक है। BHU की अगर हम बात कर ले, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 650 मार्क्स पे आ कर रही, क्या ले रही है इसमें, CUET में अगर आपने कोई दो डोमेन सब्जेक्ट चुने हो 400 मार्क्स वो हो जाएंगे, एक GT हो जाएगा 250 मार्क्स का, तो 650 मार्क्स पे से आपके पास क्या ऑप्शन है। गर्ल्स पार्टिसिपेंट हैं अगर आप, तो 420 मार्क्स आपके अगर हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं, आप BHU में रजिस्टर करें, उनकी काउंसलिंग प्रक्रिया में बिल्कुल पार्टिसिपेट करें। याद रखना है अपने आप को साल बर्बाद नहीं करना है ना, क्योंकि एक साल बहुत बड़ा होता है, उस खुद को ग्रो करने में आप लगा सकते हो, है ना, खुद के लिए कुछ नई स्किल्स वगैरह सीख सकते हो जो आगे आपको बहुत काम आएगी। तो ड्रॉप लेने की अगर सोच रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि ड्रॉप आपको लेना चाहिए, फिर भी कोई समस्या है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में क्या मिल जाएगा, प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म मिल जाएगा, और हमारी टीम गाइड भी कर देगी आपको। बाकी कमेंट करके भी बताओ कि क्या समस्या है, उन सबके समाधान हम करेंगे। वॉइस के लिए 430 करीब, ये आपका एक सेफ स्कोर हो सकता है BHU में BCOM कोर्स के लिए। DU के साथ, DU में मैंने बताया कि दो कोर्स चलते हैं, एक तो BCOM ऑनर्स चलता है, अगर ऑनर्स कोर्स पे आप टारगेट कर रहे हैं तो 800 मार्क्स पे इन्होंने देखा है, जिसमें तीन डोमेन सब्जेक्ट आपके होंगे और एक लैंग्वेज होगा, है ना, यानी कि दो 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 100 की बात करें तो 800 टोटल हो जाएंगे। अगर इस कोर्स की बात करें तो 500 प्लस आपके मार्क्स से, तो आप एक सेफ जोन में रहने वाले हैं। अगेन मैं आपको बता दूं कि ये साउथ कैंपस की बात करें, नॉर्थ में अच्छा खासा SRCC वगैरह अगर सोच रहे हैं तो मत सोचो इस स्कोर पे, कहीं नहीं मिलने वाला, किसी कैटेगरी में नहीं मिलने वाला, ठीक है। लेकिन हम साउथ कैंपस के कॉलेजेस की बात कर लें, ऑफ कैंपसेस की बात कर लें, तो आप बिल्कुल यहाँ एलिजिबल हैं, ये सेफ स्कोर रहेगा आपको बीकॉम कोर्सेज के लिए। बीकॉम प्लेन जो है, सिंपल जो है, उसके लिए जो टेस्ट के स्कोर्स हैं वो 600-650 के अराउंड उन्होंने लिया हुआ है। अब इसमें भी अगर हम बात कर लें, रेस्पेक्टिव 600 के आसपास अगर वो ले रहे हैं तो 400 करीब आपका मार्क्स रहे प्लस, और यहाँ 450 करीब रहे, तो आप क्या कर सकते हैं, एलिजिबल रहने वाले हैं। AU इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 650 मार्क्स पे यहाँ पे आपको चेक कर रहा है, जिसमें एक डोमेन सब्जेक्ट, ठीक है, एक लैंग्वेज और एक GT की बात चल रही है, उसके बेसिस पे 350 प्लस मार्क्स भी आप एक सेफ जोन में हैं। आप यहाँ से भी BCOM कोर्सेज को अप्लाई कर सकते हैं, उनकी प्रोसीजर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ये डाउट आपका क्लियर हुआ। अब ये तीन यूनिवर्सिटी के अलावा और 40 के आसपास सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अपने अपने स्टेट में बहुत पॉपुलर हैं,
अगर आपको जरूरी नहीं कि ये मिल जाए, मान लीजिए इससे थोड़ा बहुत नीचे आ रहा है स्कोर, सारी चीजें हैं और आपको लग रहा है कि नहीं मिलेगा, क्या करूं, तो आपकी रिस्पेक्टिव स्टेट की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उनमें पार्टिसिपेट करें, उनकी काउंसलिंग में जाएं भाई, वो आपको अच्छे ऑप्शन प्रोवाइड कराएगी भाई, घर के पास भी रहेंगे, एक कोर्स भी आपके मन के मुताबिक हो जाएगा और साथ ही साथ आपको एक ईयर वेस्ट भी नहीं करना पड़ेगा। तो बिल्कुल घबराए नहीं इन सारी चीज़ों को। अगर लगता है कि सर कोई गाइडेंस चाहिए है, मेरे को गाइड करने वाला कोई नहीं है, तो बेझिझक होके नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, उसको फिलअप करें, हमारी टीम कांटेक्ट कर लेगी आपसे और आपको गाइड भी कर देगी। बाकी कमेंट करके ज़रूर बताना है। ये वीडियो फिलहाल इतना ही, अगले वीडियो में हम लॉ कोर्सेज के लिए भी एक सेफ कट ऑफ की बात करने वाले हैं, सेफ स्कोर की बात करने वाले हैं, तो अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share, and subscribe.